Friends, welcome back to our YouTube channel. This is Akriti. Friends, I am here with the yesterday's article of 4th November related to your TimeSpark scholarship program. Students, before starting this article, I would like to inform you an important notice regarding your mock test. Second mock test by Team TimeSpark will be going to held on 19th November on its website. So students, be prepared with all the articles to watch our videos and visit our blog for mock test and all the related information to your TimeSpark online exam. So students, just read all the articles before your online exam, before your mock test, so that you will not have to mug up all these articles at the end. Just be prepared for your second mock test. Let's begin this article without any further delay, because this article is very lengthy article. Let's begin this article. Student, this article basically concerns the humanity, art and history. In this article, writer has compared two things, history and heritage, by giving many examples like Taj Mahal. As you can see here, the headline is Taj Mahal. It is a history or heritage? Let's begin this article. To make the past reveal its humanity, our attention must shift from documents to monument. इस सब हेडलाइन से राइटर क्या कहना चाहते हैं वो हम अभी आर्टिकल में पढ़ेंगे, इस आर्टिकल में एक्सप्लेन करेंगे. वो पूछते हैं, जो ये राइटर हैं दीपांकर गुप्ता, इस द ताजमहल हिस्ट्री और हेरिटेज, क्या ताजमहल हिस्ट्री है या फिर हेरिटेज है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं, दीज टू वर्ड्स आर ऑलवेज गो टुगेदर. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट एंड हेरिटेज इज ऑलवेज लिंक्ड टू द पास्ट. सो स्टूडेंट, दीज टू वर्ड्स आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड. हम सभी जानते हैं कि जो हिस्ट्री है एक एज अ पास्ट, हिस्ट्री इज द पास्ट एज अ होल एंड हेरिटेज इज अ रिमाइंडर ऑफ द पास्ट. सो दिस आर्टिकल में जो राइटर हैं वो यही बताना चाहते हैं कि जो हिस्ट्री है इन दिस सेंस, और हिस्ट्री और हेरिटेज क्या हैं. उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं. सो स्टूडेंट, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है. तो ये जो आर्टिकल है एज अ होल एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज है. अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो आर्टिकल है ये किस टाइप का आर्टिकल है, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पैसेज है, बिकॉज इस आर्टिकल में राइटर ने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इज द ताजमहल हिस्ट्री और हेरिटेज? द आंसर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द टू डोर्स वी टेक व्हेन वी स्टेप इनटू द पास्ट. इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है जो दो दरवाजे हैं, जो कि हम पास्ट में अगर जाना चाहते हैं तो दो दरवाजे होते हैं हमारे सामने, तो उस पर ये इसका आंसर डिपेंड है. इस लाइन से यहाँ पे मतलब है कि जो ये दो दरवाजे हैं, दैट मीन्स जो पहला है उसको हम एज अ हिज बोलेंगे एंड जो दूसरा है उसको हम डिनोट करेंगे हर. बिकॉज अगर आप देखते होंगे कि हिस्ट्री को अगर आप अलग कर दे तो उसमें से हिज निकलता है, और अगर आप हेरिटेज में से हर को अलग कर दे तो यहाँ पे दूसरा जो डोर है उसको डिनोट किया गया हर से. मीन्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो पहला वर्ड है हिस्ट्री, उसको मैस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू में बताया गया है, और जो हेरिटेज है उसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में बताया गया है. बिकॉज थ्रू वन यू सी हिस्ट्री एंड थ्रू द अदर यू सी हर हेरिटेज. मीन्स यहाँ पे जो दो डोर्स हैं जिसकी हेल्प से हम पास्ट को जान सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, वो है हिस्ट्री और हेरिटेज. पहला हिस्ट्री और दूसरा हेरिटेज. इन मैनी वेज, काफ़ी सारे तरीके से, काफ़ी सारे वेज में, हिस्ट्री इज द वे अ पैट्रिकल नैरेटिव प्रेजेंट इट्सेल्फ. मीन्स जो हिस्ट्री है वो अपने आप को ऐसे नरेट करती है. मीन्स यहाँ पे पैट्रिकल वर्ड यूज़ किया गया है. पैट्रिकल का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू मैस्कुलाइन. मीन्स कोई एक अगर मैन किसी भी ग्रुप का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी हेड होता है तो वो मेल मेंबर होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं पैट्रिकल. तो स्टूडेंट, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हिस्ट्री को काफ़ी सारे वेज में ऐसा माना गया है कि जो हिस्ट्री है अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करती है, ऐसे नरेट करती है, जैसे कि इट डिपिक्ट्स, इट रिप्रेजेंट इट्सेल्फ लाइक मैस्कुलिन फॉर्म. देर आर द गोल्स, यहाँ पर बहुत सारे गोल्स हैं जो कि पूरे हुए हैं. यहाँ पे स्टूडेंट हिस्ट्री की बात की गई है. इस पैराग्राफ में जो राइटर हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री को
हम जो राइटर ने यहाँ पे हिस्ट्री को कंपेयर किया है एज अ मैस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने इस चीज़ को क्यों बोला है? बिकॉज दे आर गोल्स, यहाँ पर गोल्स हैं टू बी अनकम्प्लीस्ड। हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे गोल्स हैं जो कि पूरे होने हैं, दे आर ग्रैंड पर्सोनेज फोर्सिंग दैम। यहाँ पर बहुत सारे पर्सोनेज हैं, मीन्स पर्सोनेज का मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन हैं, ग्रैंड पर्सन हैं जो फोर्स करते हैं इन गोल्स को पूरा करने में। जैसे कि पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स आर ड्रॉन इन, मीन्स हिस्ट्री में पीजेंट्स का, वर्कर्स का, कारीगरों का, ये जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनका जिक्र हुआ है, मीन्स इस हिस्ट्री में उन चीज उनको ड्रॉ किया गया है। आर ड्रॉन इन मीन्स उन हिस्ट्री के अंदर इन सभी का जिक्र हुआ है। बट दे डिड नॉट स्टार्ट द प्लॉट, बट इन्होंने कुछ ऐसी कोई साजिश नहीं की है। वेदर इट वॉर अ पीस मीन्स, या तो फिर ये अगर हम बात करते हैं वॉर की या फिर पीस की या फिर ऐसे लाइसेंस की जो कि किसी भी चीज़ को बनाने में या किसी चीज़ को बेचने में लेना होता है, अगर हम इन सभी चीज़ की बात करते हैं या फिर हम कुछ उसकी बात करते हैं, कुछ ऐसा स्टेज जो कि सामने वाला मतलब सेट कर देता है, या तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है या फिर आपको उस चीज़ का विद्रोह करना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को कंपेयर किया है, हिस्ट्री के अंदर इन सभी चीज़ का जिक्र हुआ है, तो इन सभी चीज़ों से ऐसा लगता है कि जो हिस्ट्री है कहीं ना कहीं मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू में अपने आप को प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हिस से उसको कंपेयर किया है। बट अगर हम बात करते हैं हेरिटेज की, हेरिटेज इज़ वेरी डिफरेंट। अगर हम बात करते हैं हेरिटेज की, तो हेरिटेज बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट है। इट इज़ अबाउट ऑर्डिनरी पीपल। हेरिटेज की अगर हम बात करते हैं तो ये उन लोगों के लिए है जो कि स्किल्ड है, रिसोर्सफुल है, एडवेंचरस एंड रिस्क टेकिंग है, बट नॉट वार लाइक। मीन्स जो भी हेरिटेज है हमारे पास, जो भी हमारी विरासत है, अगर हम उनको स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये स्किल्ड, रिसोर्सफुल, एडवेंचरस और रिस्क टेकिंग पीपल से इंक्लूडेड है, जो कि वार लाइक नहीं होते हैं। मीन्स जो कि वॉर टाइप नहीं करते हैं और ना ही पॉलिसी ड्राइवन है। पॉलिसी ड्राइवन मीन किसी भी पॉलिसी से ड्राइव नहीं है और किसी भी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। हेरिटेज प्रोसीड्स इन पीस। जो हेरिटेज है अपने आप को शांति में प्रोसीड करती है। देर आर नो ग्रेट मूवर्स एंड शेकर्स। यहाँ पर कोई ग्रेट मूवर्स और शेकर्स नहीं है, कोई प्रिंस नहीं है, कोई पोटेंशिएट नहीं है। व्हेन इट्स स्टोरी इज बीइंग टोल्ड, अगर हम हिस्ट्री की कोई स्टोरी या कोई कहानी बताते हैं या बताई जाती है, तो यहाँ पर कोई ग्रेट मूवर्स नहीं है, कोई शेकर्स नहीं है, कोई प्रिंसेस नहीं है, कोई पोटेंशियल या मीन्स कोई तरह के रूलर, कोई किंगडम कुछ नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे टोटली पीस की बात की गई है कि अगर हम हिस्ट्री को बात करते हैं तो हिस्ट्री में कुछ ऐसे रूलर्स रहे हैं, कुछ ऐसे किंगडम्स रहे हैं जिन्होंने काफ़ी लड़ाई या कुछ दंगे हुए हैं उनके टाइम पर, बहुत सारी मास किलिंग्स भी हुई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हेरिटेज की बात की गई है। अगर आप किसी विरासत को देखते हैं तो वो सिर्फ उसकी स्किलफुल के बारे में बताती है, उसकी रिसोर्स के बारे में बताती है, क्या क्या रिस्क लिए गए हैं उसके लिए, क्या क्या एडवेंचर्स रह चुकी है वो, तो वो इन सब चीज़ें के बारे में बताती है। दिस स्टोरी इंस्टेड इज़ अबाउट फार्मर्स। मीन्स जो ये हिस्ट्री, जो हेरिटेज है उसकी जो स्टोरी है अबाउट फार्मर्स, उन किसानों के बारे में है, उन हर्डर्स के बारे में है। स्टूडेंट हर्डर्स का मतलब होता है यहाँ पे जो रखवाली करते हैं, जो चरवाहे होते हैं। तो मीन्स यहाँ पे उन किसानों की बात की है, उन चरवाहों की बात की गई है। हु टेम्ड द वाइल्ड, जो कि जंगली जानवरों को डोमेस्टिकेट करते हैं। टेम्ड का मतलब है उनको पालते हैं ताकि वो जो खाने योग्य सीड्स और खाने को प्रोड्यूस कर सकें, उनको बना सकें। तो यहाँ पे सिंपली हेरिटेज को नॉर्मल सी लाइफ से कंपेयर किया गया है, जो कि एक फार्मर और हर्डर्स के बारे में बताया है। यहाँ पे मर्चेंट्स की बात की गई है, उन क्राफ्ट पीपल की बात की गई है। हु ब्रेव्ड माउंटेन्स मीन जो अपनी मेहनत से, ब्रेव्ड माउंटेन्स का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे जो बड़े बड़े पहाड़ों को फेस करते हैं। मीन्स ब्रेव माउंटेन का मतलब है यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी अनप्लेजेंट कंडीशंस या फिर डेंजरस सिचुएशन जैसी चीज़ों को फेस किया है। डीप वाटर्स और ब्रेव माउंटेन का मतलब यहाँ पर यही है, उन्होंने ऐसे अनप्लेजेंट कंडीशंस और डेंजरस सिचुएशन को फेस किया है। टू एक्सचेंज नॉलेज, जिससे कि वो नॉलेज को एक्सचेंज कर सकें और जो नॉलेज है उसका आदान प्रदान हो सके। तो मीन्स उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। यहाँ पे उन इंजीनियर्स की बात की गई है जो कि रूरल इंजीनियर्स थे। उन मेटलर्जिस्ट की बात की गई है जो कि हु फर्स्ट हैमर कॉपर,
यहाँ पे मेटलर्जिस्ट मीन्स जो कि जिन्होंने सबसे पहले कॉपर को बनाया था या फिर उसको कोई उसकी शेप दी थी, तो यहाँ पे उनकी बात की गई है। यहाँ पे सभी उन लोगों की बात की है जिन्होंने सिर्फ मेहनत की है। देयर कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर नॉर्मल रूटीन लाइफ इज़ मच ग्रेटर देन वॉट वेरियर्स हैव अकम्प्लीज। इन लोगों का जो हमारी नॉर्मल लाइफ में, हमारी रूटीन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कई गुना ज़्यादा है उन लोगों से जो कि जिन्होंने लड़ाई की है, वॉर किए हैं, या जो भी एम्परर्स ने हमारे लिए छोड़ा है। व्हाट एम्परर्स हैव बीक्विथ, बीक्विथ का मतलब है जो भी एम्परर्स ने हमारे लिए छोड़ा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यानी ने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया है, एक वॉर को एक पीस को। इस ताजमहल देन हिस्ट्री एंड हेरिटेज, इन सब एग्जाम्पल्स के बाद क्या ताजमहल एक हिस्ट्री है या फिर हेरिटेज है? ताजमहल इट इज़ इट ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ पावरफुल रूलर। क्या ये इसलिए सुंदर है कि जो ब्यूटीफुल रूलर है जिन्होंने यहाँ पे शाहजहाँ की बात की गई है, जो ब्यूटीफुल जो पावरफुल रूलर थे उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया कि इसको इट टू बी मेड एंड बिकॉज ऑफ द मैजिक दैट क्राफ्ट पीपल क्रिएटेड। मीन्स यहाँ पे हिस्ट्री का कंपेरिजन किया है कि इसको ताजमहल ब्यूटीफुल इसलिए है कि ये हिस्ट्री से बिलोंग करता है कि जो पावरफुल रूलर हैं उन्होंने ऑर्डर किया इसको बनाने में, या फिर हेरिटेज से, हेरिटेज का मतलब या फिर उस चीज़ से जो कि क्राफ्ट पीपल, जो कि जिन लोगों ने इस ताजमहल को बनाया है उनकी जो मेहनत लगी है, उनका जो मैजिक हुआ है इसको बनाने में, या फिर उसकी वजह से ये सुंदर है। तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पे राइटर ने इस चीज़ को किस तरीके से डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। दीज वर्कर्स हैड गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो वर्कर्स थे जिन्होंने ताजमहल को क्रिएट किया, बनाया, वो इंडिया के बहुत डिफरेंट पार्ट से लाए गए थे, एज वेल एज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, टर्की से भी लाए गए। इट इज़ हेयर दैट इस्लामिक एंड हिंदू मोटिव्स मर्ज। ताजमहल को अगर आप हेरिटेज के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो देखेंगे आप यहाँ पे इस्लामिक और हिंदू मोटिव दोनों ही मर्ज किए हैं। मोटिव का मतलब होता है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी किसी आर्टिकल में बताया है कि किसी तरह की डिज़ाइनिंग या फिर कोई पैटर्न होता है, तो यहाँ पे हिंदू और इस्लामिक रिलीजन दोनों ही रिलीजन की मोटिव्स को मर्ज करके बनाया गया है। इन नन ऑफ दीज, इन दोनों में से वॉज द थ्रोन इन्वॉल्व, बट इन दोनों में से एक इस ताजमहल में हिंदू और इस्लामिक दोनों ही रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भी थ्रोन इन्वॉल्व नहीं है। थ्रोन का मतलब एक रॉयल सीट होती है, एक सेरेमोनियल चेयर होती है, वो कि ताज जो कि ताजमहल में नहीं है। मकराना मार्बल, जो एक मकराना मार्बल है उसको राजस्थान से लाया गया है। जेड, जेड का मतलब होता है एक ऑर्नामेंटल रॉक जो कि ग्रीन वेराइटीज के लिए जाना जाता है, और क्रिस्टल जो कि चाइना से मंगाया गया है, और जेस्पर, जेस्पर भी एक तरह का प्रेशियस स्टोन होता है, आप इसको मनी भी बोल सकते हैं, तो वो पंजाब से मंगाया गया है, और सेफायर जो है वो श्रीलंका से मंगाया गया है। नोटिस द मिक्स ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन। ताजमहल के अंदर आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि ये जो है ये हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन का मिक्सचर है। इन द रेड स्टोन कार्विंग ऑफ द जहांगीर महल ऑफ आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट के जो जहांगीर महल है उसमें जो कार्विंग्स हो रही हैं, जो आर्टिस्टिक वर्क हो रहा है, उसके जो रेड स्टोन है उसमें हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन को दिखाया गया है। और इन द कॉलोनेट्स ऑफ मुगल कोर्ट यार्ड्स, स्टूडेंट यहाँ पे कॉलोनेट्स क्या होते हैं, कॉलोनेट्स क्या होते हैं, एक लॉन्ग सीक्वेंस होती है, जो एक लॉन्ग सीक्वेंस तरह का आर्किटेक्चर होता है जो कि स्ट्रेट एंड स्ट्रेट और कॉलम वे में बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉलोनेट्स। तो जो मुगल की कोर्ट यार्ड्स हैं उनके जो कॉलोनेट्स हैं उसमें हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन का मिक्स दिखाया आपको देखने को मिलेगा। मुगल कोर्ट यार्ड्स हुज बालकनीज आर सपोर्टेड बाय ब्रैकेट्स, जिनकी जो बालकनी है वो ब्रैकेट से सपोर्ट किए गए हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हर चीज़ को, या तो आगरा फोर्ट है या फिर ताजमहल है या फिर किसी चीज़ की भी बात की, पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कैसे उनकी बालकनी बनी है, कैसे उनके कोर्ट यार्ड है, क्या उन पे आर्टिस्टिक वर्क हो रहा है, तो सब चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप बात करते हैं डेक्कन सुल्तानेट पीरियड की, जो डेक्कन पीरियड था 1500 से लेके 1700 तक का, जब एशिया और यूरोप मेट इन द प्लेटू, जो एशिया और यूरोप हैं एक हाई लैंड पर मिले थे एंड प्रोमिस्यूसली रिप्रोड्यूस, और इमोरलिटी वहाँ पे रिप्रोड्यूस हुई, मीन्स वहाँ पे जो एक आर्किटेक्चर बना वो बिल्कुल इमोरल था,
दिस फ्यूजन वॉज नॉट ऑर्डेन्ड फ्रॉम अबव, मीन जो वहाँ पे आर्किटेक्चर ही हुई है, अब दैट फ्यूजन वॉज नॉट ऑर्डेन्ड, मीन्स जो वो जो फ्यूज़न है, जो कि आर्किटेक्चर है, वो इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है कि वो ऊपर से नहीं बट उसको इतनी स्किलफुली नीचे से क्राफ्ट किया गया है। मीन्स आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े हैं वहाँ पर उस प्लेटू में, तो उन चीज़ों को ऐसा नहीं है कि ऊपर से रख दिया गया है, उन चीज़ों को बहुत ही स्किलफुली नीचे से क्राफ्ट किया गया है। तो आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा टैलेंट और स्किल जो कि इस कैमराड्री में आपको देखने को मिलेगी। कैमराड्री का मतलब होता है यहाँ पे आपको म्यूचुअल ट्रस्ट मिलेगा देखने को। वैसे बेसिकली जो कैमराड्री का मतलब होता है एक तरह की फ्रेंडशिप होता है, तो यहाँ पे आपको हिंदू और इस्लामिक दोनों ही ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेंगे। नॉट इन अ केज फाइट, ना कि केज फाइट में। स्टूडेंट केज फाइट एक तरह की वैसे मार्शल आर्ट होती है, तो यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है कि आपको केज फाइट नहीं, आपको एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे देखने को मिलेगी। द कलमकरी ऑफ दैट पीरियड कैरीड हिंदू, जो उस पीरियड की जो कलमकरी थी उन्होंने हिंदू इस्लामिक और यूरोपियन मोटिव्स को अप्लाई किया। एंड द डेक्कन स्टैंडर्ड, जो डेक्कन स्टैंडर्ड है जो कि उसने भी चाइनीज ड्रैगन को डिस्प्ले किया। इफ अगर हम 17th सेंचुरी के जयपुर कारपेट्स की बात करते हैं तो जो जयपुर कारपेट्स हैं उन्होंने यूरोपियन डिज़ाइन को शो किया। अगर हम बात करते हैं वेनेटियन पेंटिंग्स की तो उन्होंने टर्किश उषक कारपेट्स को रिप्रोक्रिएटेड किया, रेसिप्रोक्रिएटेड किया। तो मींस यहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग चीज़ों को बताया गया कि उन्होंने कहाँ कहाँ से उन चीज़ों को डिस्प्ले किया है, उन चीज़ों को शो किया है, कहाँ कहाँ से उन्होंने रेसिप्रोक्रिएट किया है। तो स्टूडेंट ये जो उषक कारपेट्स होते हैं ये टर्किश कारपेट हैं जिनमें अलग तरह के बॉर्डर्स होते हैं, डिज़ाइनिंग होती है, अलग तरह के ज्योमेट्रिक कार्टोज पैटर्न्स होते हैं। हेरिटेज एवरीवेयर यूनाइट वास्ट टेरिटरीज दैट हिस्ट्रीज एंड किंगडम्स डिवाइड। तो अब से लेके अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है उसमें वो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ यही मिलेगा कि जो किंगडम्स हैं और जो बड़ी बड़ी टेरिटरीज हैं उन्होंने, जो किंगडम्स ने मीन्स डिवाइड किया था हिस्ट्री में क्या हुआ था, बड़े बड़े किंगडम्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने एक दूसरे को डिवाइड किया था, बस हेरिटेज। बट अगर आप हेरिटेज की बात करेंगे एज अ हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसने जो दूर दूर की जो बड़ी बड़ी टेरिटरीज हैं उनको, सब जगह की टेरिटरीज को एक साथ यूनाइट किया है जो कि हिस्ट्री और किंगडम्स ने नहीं किया। वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं कि जो औरंगजेब और दारा सिखों के बीच एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है स्टूडेंट जो उनके बीच अपोजिशन की स्टेट थी, मीन्स जो वो एक दूसरे के अपोजिशन में थे, दैट हिस्ट्री टेलिंग एट द बेस्ट, हिस्ट्री इसके बारे में आपको ज़रूर बता सकती है कि जो औरंगजेब है और जो दारा सिखों हैं उनके बीच जो मीन्स अपोजिशन थी, उनके बीच जो एनमिटी वाली स्टेट थी, ये आपको हिस्ट्री अच्छे तरीके से बता सकती है बिहाइंड इट्स बैक। बट अगर आप इसको इसके पीछे से देखते हैं, इसको डीपली देखते हैं, हेरिटेज वॉज एट वर्क। यहाँ पर एक हेरिटेज है जो कि मुगल कोर्ट को बनाया गया है, यहाँ पे मुगल कोर्ट की बात की गई है, मुगल कोर्ट पे जो भी काम हुआ है उस चीज़ को हेरिटेज बोला है इन्होंने यहाँ पे, मीन विरासत। ये जो था दारा सिखों की वाइफ नादिरा ने क्या किया था, उन्होंने मैरी मैगडलाइन की पेंटिंग दी थी एक ऐसे स्टाइल में जिसको डेलिब्रेटली इमिटेट, मींस यहाँ पे एक इटालियन आर्टिस्ट हैं जिनका नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, टिंटोरेटो। उन्होंने उस स्टाइल से जो कि दारा सिखों की वाइफ ने पेंटिंग की थी, जिस स्टाइल में उन्होंने पेंटिंग की थी, उन्होंने उस चीज़ से इंस्पायर होके उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया था। इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, मीन्स उन्हें वो इतना अच्छा लगी, इतना वो इस चीज़ से इंस्पायर हो गए, एज अ आइडल उन्होंने उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया था। दिस इज़ हाउ डीपली यूरोपियन आर्ट वॉज अप्रिशिएटेड इन मिडिवल इंडिया। तो इस चीज़ से पता चलता है कि जो यूरोपियन आर्ट है उसको कैसे मिडिवल इंडिया में सराहना मिली है, उसको अप्रिशिएट किया है। अपेरेंटली यूरोपियन मोटिव्स, जो यूरोपियन की डिज़ाइनिंग और पैटर्न्स हैं और जो पेंटिंग्स हैं फ्रॉम द न्यू एंड ओल्ड टेस्टामेंट, स्टूडेंट यहाँ पे टेस्टामेंट का मतलब है कि जो यूरोपियन के जो पैटर्न्स और पेंटिंग्स हैं जो कि ली गई हैं न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट से। टेस्टामेंट का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे जो एक किसी की विल होती है उस चीज़ को यहाँ पे टेस्टामेंट बोलते हैं।
तो किसी की विल, स्पेशली अगर हम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उनसे जो भी मोटिव्स या पेंटिंग्स ली गई हैं, वर ऑल्सो डूइंग द राउंड्स इन अकबर्स कोर्ट। वही चीज़ आपको अकबर के कोर्ट में भी देखने को मिलेंगी। नन ऑफ दीज वॉज एनी कॉन्सिक्वेंस, मीन्स इनका कोई, यही दोनों चीज़ें आपको किसी के भी रिजल्ट में नहीं मिलेंगी। हाउ एवर वेन अकबर मेड हिस्ट्री एंड कैप्चर चित्तौड़, बट अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अकबर ने हालांकि हिस्ट्री बनाई थी और चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया था, नॉट दिस ग्रैंड हिस्टोरिकल इवेंट, ना ही ये जो ग्रैंड हिस्टोरिकल इवेंट है इसने हेरिटेज को चेंज कर पाया है। दैट प्रोसीडेड विद द कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, मीन्स यहाँ पे बात की गई है पहले कॉम्बिनेशन की, फिर रिकॉम्बिनेशन की, फिर लिंकिंग पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट को और प्रेजेंट को लिंक करना, पास की दूर की, इन अ परपेचुअल सिंपैथी। मीन हिस्ट्री हेरिटेज की अगर हम बात करें, उसने हमें प्रोसीड किया है इन अ परपेचुअल सिंपैथी। परपेचुअल सिंपैथी मीन्स इन अ एंडलेस सिंपैथी, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हेरिटेज के साथ हमारी एक ऐसी सिंपैथी है। यूरोप टू वॉज इंस्पायर्ड, जो यूरोप है वो भी ओरिएंट से इंस्पायर्ड हुए थे। यहाँ पे ओरिएंट के, ओरिएंट का मतलब है स्टूडेंट बेसिकली जो एशियन कंट्रीज होती हैं उनको बोला जाता है ओरिएंट। तो स्टूडेंट जो यूरोपियंस थे वो भी ओरिएंट से इंस्पायर थे। ओरिएंट जो ईस्ट और ईस्ट एशिया की, स्पेशली ईस्ट एशिया की जो कंट्री होती हैं उनको ओरिएंट बोला जाता है। अगर हम बात करें इटालियन ड्रेपरी की, ड्रेपरी का मतलब होता है किसी तरह की टेक्सटाइल या फिर क्लोथिंग, ओपनली कॉपीड, उन्होंने चाइनीज पैटर्न को ओपनली कॉपी किया था। जस्ट एज गोथिक बिल्डर्स ट्रांसफॉर्म सैरासेनिक एंड इस्लामिक आर्किटेक्ट, जैसे कि गोथिक बिल्डर्स ने जो इस्लामिक और आर्किटेक्चर को ट्रांसफॉर्म किया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया गया है कि ये सभी चीज़ें अगर हम हेरिटेज की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को यूनाइट करती हैं, जोड़ती हैं। द डैजलिंग सिल्क ड्रेपरी, यहाँ पे जो डैजलिंग सिल्क ड्रेपरी है सेंट मेरी के चर्च में जो कि डैनजिंग में है, अ रिवर्स क्रिश्चियन पैलेस ऑफ वर्शिप, जिसको एक क्रिश्चियन का वर्शिप का पैलेस माना जाता है, इस क्लियरली अरेबिक इन स्टाइल। वैसे तो देखिए ये क्रिश्चियन पैलेस है, बट वहाँ पर आपको टोटली जो आपको ड्रेपरी मिलेगी, जो वहाँ की क्लोथिंग्स, वहाँ के जो कर्टेंस, वहाँ के जो टेक्सटाइल्स मिलेंगे वो आपको टोटली अरेबिक स्टाइल में मिलेंगे। टिन ग्लेजिंग अर्थन वेयर, टिन ग्लेजिंग अर्थन वेयर का मतलब है स्टूडेंट, अर्थन वेयर मीन्स मिट्टी से बनने वाले जो भी चीज़ें होती हैं उनको एक ऐसी ग्लेजिंग की गई है, मीन्स वाइट, ग्लॉसी और ओपैक तरीके से बनाया गया है, इन अ पर्टिकुलर वेनेटियन मेजोलिका, स्पेशली वेनेटियन मेजोलिका की बात करते हैं, ड्रू हैविली फ्रॉम द ओरिएंट, मीन्स इन्होंने भी ओरिएंट से इस चीज़ को लिया है, स्पेशली इट्स ब्लू इनेमल, स्पेशली इसका जो ब्लू इनेमल है और जो फ्लोवर टेंड्रल डिज़ाइन है। स्टूडेंट टेंड्रल क्या होता है, जो कि एक प्लांट होता है उसमें जो स्पायरल शेप होती है, स्पायरल शेप की तरह जो होता है उसको टेंड्रल बोलते हैं। तो फ्लोवर के इस तरह के डिज़ाइन और ब्लू इनेमल्स के उन्होंने इस चीज़ को भी ओरिएंट से लिया है, ओरिएंट कंट्रीज से लिया है। 17th सेंचुरी चाइनीज वीवर, जो 17th सेंचुरी के जो चाइनीज वीवर्स हैं, लर्न अबाउट द सेना नॉट फ्रॉम पर्शिया, मीन्स जो 17th सेंचुरी के जो चाइनीज बुनकर थे उन्होंने भी जो सेना नॉट है, सेना नॉट एक नॉट का नाम है, उसको पर्शिया से लिया है एंड इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया है टू मेक देयर वेरी डिस्टिंक्टिव कार्पेट्स, मीन्स उन्होंने पर्शियन चीज़ को अडॉप्ट करके उनको अपनी कारपेट्स के डिज़ाइनिंग में यूज़ किया है। इवन बुद्धिज्म डिड नॉट ट्रेवल अलोन फ्रॉम इंडिया, सिर्फ बुद्धिज्म ही ऐसे नहीं थे जो कि अकेले इंडिया से गए थे। इट इम्पैक्टेड मीन बुद्धिज्म के साथ साथ उनको टेक्सटाइल्स, मीन्स यहाँ पे टेक्सटाइल पे भी देखने को मिलता है कि जो टेक्सटाइल है चाइना का, विद अ प्लोरिफेरेशन ऑफ पैटर्न्स फीचरिंग बोल्स, एलिफेंट्स एंड ट्रॉपिकल ट्रीज, मीन बुद्धिज्म के साथ साथ इंडिया से जो ये डिज़ाइनिंग लाइक पैटर्न्स, मीन्स बुल्स को और एलिफेंट्स को और जो भी ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं उनका पैटर्निंग में यूज़ करना, फीचर करना उन चीज़ को, तो ये चीज़ भी उनके साथ गई थी जो कि टेक्सटाइल में यूज़ की गई है। स्टूडेंट प्लोरिफेरेशन का मतलब है इस चीज़ का बढ़ना, मीन्स जो ये पैटर्न में बुल्स और एलिफेंट्स और ट्रॉपिकल ट्रीज का यूज़ होना शुरू हुआ, तो इस चीज़ में भी काफ़ी इंक्रीमेंट होने लगा और इस चीज़ में काफ़ी ग्रोथ होने लगी। द पैट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड द फेमिनाइन टोन ऑफ हेरिटेज,
ये जो पैट्रिकल एस्पेक्ट है, मीन्स ये जो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट है हिस्ट्री का, और जो ये फेमिनाइन टोन है हेरिटेज की, कैन ऑल्सो बी गॉज्ड फ्रॉम अनदर परस्पेक्टिव। मीन्स आप इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं दूसरे परस्पेक्टिव में ही। मीन्स जरूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ताजमहल का एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे यहाँ पे बुद्धिज्म का भी एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पे बहुत सारी 17th century के वीवर्स का एग्जाम्पल्स दिया है, और आप देख सकते हैं यूरोपियंस का आपने इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है। बट अगर उन चीज़ों से अलग हटके अगर किसी और पर्सपेक्टिव में भी हम इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं मैस्कुलिन फॉर्म है, और जो हेरिटेज है वो फेमिनाइन फॉर्म है। तो कैसे, चलिए जानते हैं। जो देबोरा टैनिन थे, ये एक ऑथर हैं, वो सोशल लिंग्विस्ट हैं। स्टूडेंट, सोशल लिंग्विस्ट वो होते हैं जो कि सोसाइटी के कल्चरल वैल्यूज़ को और जो उनकी एक्सपेक्टेशन होते हैं, उनके जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। आप इनको हिंदी में समाज शास्त्री भी बोल सकते हैं। तो ये जो ऑथर हैं, इन्होंने एक लाइन कही थी, उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि जो मैन है, मैन एंगेज इन रिपोर्ट टॉक एंड वुमेन आर बेटर इन रपट टॉक। जो मेल्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो एंगेज होते हैं मोस्टली, अगर हम उनके कन्वर्सेशन की बात करें, कि जब वो बात करते हैं तो वो रिपोर्ट टॉक में इन्वॉल्व होते हैं, और जो लेडीज़ होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर होती हैं अपने रैपिड टॉक में। इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक एग्जांपल देके। हाउ, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक पार्टी का सीन होता है, मैन टेंड टू क्रैक द लाउडेस्ट जोक। जो मोस्टली मैन होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि वो कुछ ऐसा जोक क्रैक करें जिससे सब हंसे, मीन्स वो पब्लिकली कुछ करना चाहते हैं। प्रोवाइड द डेफिनेटिव आंसर्स, फिर उनके आंसर्स बताना, एंड जनरली स्ट्राइव टू बी लाइफ एंड सोल ऑफ द इवनिंग, मीन्स वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। मीन्स वो चाहते हैं कि वो जो पार्टी है उस शाम वो उसकी लाइफ या फिर सोल बनकर रह जाए, मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टाइप। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम वुमेंस की बात करें, वो अगर वो बात करती हैं, वो अपने कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शंस बनाती हैं, मीन थ्रू द एवरीडे इश्यूज़, कोटिडियन डायलेमास, मीन्स वो बात करते टाइम कुछ ऐसा डिस्कस करती हैं, अगर वो किसी से भी कन्वर्सेशन करती हैं तो उनकी जो एवरीडे की प्रॉब्लम्स हैं, एवरीडे के जो इश्यूज़ हैं, स्टूडेंट यहाँ पे कोटिडियन डायलेमास का मतलब होता है एवरीडे की प्रॉब्लम्स, और जो इन्फॉर्मेशन होती है, मीन्स उनकी इलनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर, सिक्योरिटीज़ को लेकर, इनसिक्योरिटी, जॉब्स, मैरिज, इन सभी चीज़ों पर वो डिस्कस करती हैं, बात करती हैं। इन नन ऑफ दीज कन्वर्सेशन आर द वॉइस रेज एंड अटेंशन डैमेज, मीन जो वीमेंस हैं वो नहीं चाहती हैं कि वो अटेंशन को डिमांड नहीं करती हैं, ना ही वो चाहती हैं कुछ वो अटेंशन को अट्रैक्ट करें। तो स्टूडेंट, इन द केस ऑफ मैस्कुलिन रिपोर्ट, बट जो मैस्कुलिन है, बट जो मैन है वो ऐसा करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली जो ये राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं, मैन स्पेशलाइज इन रिपोर्ट टॉक, जो मैन है वो बेसिकली एंगेज इन सेल्फ डिस्प्ले, वो अपने आप को डिस्प्ले करना चाहते हैं। बट जो वुमन है, इन कन्वर्सेशन इन द लैंग्वेज, मीन्स वो ऐसे बात करती हैं, वो रपट टॉक के वे में बात करती हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ रपट। रिपट मीन्स कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है और कैसे रिलेशनशिप को नेगोशिएट करना है। तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ का एग्जांपल दिया है। हिस्ट्री एंड हेरिटेज, जो हिस्ट्री और हेरिटेज हैं स्टूडेंट, ये जो कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ है, इसमें वो बताते हैं जो राइटर हैं कि जो हिस्ट्री और हेरिटेज हैं आर एनालॉगस टू मैस्कुलिन रिपोर्ट टॉक। मीन्स जो हिस्ट्री है, एनालॉगस मीन्स ये सिमिलर है मैस्कुलिन रिपोर्ट टॉक से, और जो हेरिटेज है वो फेमिनिन रिपोर्ट टॉक से सिमिलर है रिस्पेक्टिवली। वाइल द फॉर्मर स्टडीज सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ सिंगुलर प्रोजेक्ट्स, जबकि हिस्ट्री है उसमें उन प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, उनके सक्सेसेस की, फेलियर्स की, इन सब चीज़ों की बात की गई है। बट अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, उसमें उन चीज़ों की बात की गई है जो कि यूनाइट करती है, मीन उन सभी चीज़ों को जोड़ती है। लिटिल डीड्स ऑफ सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल, मीन्स उन सभी स्मार्टेस्ट लोगों की छोटी छोटी एफर्ट्स, छोटी छोटी एक्शन, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को यूनाइट करती है,
जो कि उन्हें गिफ्टेड हैं फ्रॉम द गॉड, जो कि उन्हें गिफ्टेड हैं एज अ विजडम ऑफ द एजेस. दे हैव डन दिस इन अनऑब्स्ट्रसिव. स्टूडेंट मीन्स यहाँ पे हेरिटेज के बारे में बताया है कि उन्होंने इस तरीके से किया है. हेरिटेज की हम बात करें तो उन्होंने अनऑब्ट्रसिव, ऑब्ट्रसिव का मतलब होता है स्टूडेंट नॉन अट्रैक्टिव, मीन्स उन्हें कोई अटेंशन नहीं अट्रैक्ट करनी थी, तो उन्होंने इस तरीके से काम किया है. पीसफुल एक्सचेंज किया है, मीन उन्होंने पीसफुल तरीके से कॉन्वर्सेशन किया है, बात की है. विदाउट बेल्स एंड विसल, मीन्स विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस. हाउ एल्स डिड वी गेट हाई आर्ट, मीन्स कहाँ पर हम ताजमहल जैसे मेजेस्टिक कंस्ट्रक्शन, डेलिकेट क्राफ्ट्स और हाई आर्ट, कहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता. हाउ एल्स डिड वी गेट, कहाँ पर हम इस चीज़ को, मीन्स कहाँ से हमें ऐसा ताजमहल मिलता. इवन द हैवीएस्ट लिफ्ट इज पावर्ड बाई जेंटल हार्ट बीट्स, मीन्स हेरिटेज की अगर हम बात करें, जो हैवीएस्ट लिफ्टर हैं, हैवीएस्ट लिफ्टर का मतलब जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स बने हैं वो बहुत ही जेंटल हार्ट बीट्स ने बनाए हैं. मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि जो ताजमहल है वो क्राफ्ट्समैन ने बनाया है, जो इनके क्रिएटर्स हैं वो जेंटल हार्ट बीट्स, मीन्स उनका कंपेरिजन यहाँ पे जेंटल हार्ट बीट से किया है. तो कहाँ पे हमें ये ताजमहल जैसी मजेस्टिक कंस्ट्रक्शन, डेलिकेट क्राफ्ट आर्ट्स कहाँ से मिलती हमें. टू मेक आवर पास, मीन्स हमें अगर अपने पास से कुछ जानना है ताकि ऐसा हो कि जो पास्ट है अपनी ह्यूमैनिटी को रिवील करे, मीन्स अपने बारे में सब कुछ बताए. हमारी जो अटेंशन है वो हिस्ट्री पे ना सही, हमारी जो अटेंशन है वो शिफ्ट होनी चाहिए हिस्ट्री से लेके हेरिटेज पे. मीन्स यहाँ पे हिस्ट्री को नेगेटिव सेंस में प्रेजेंट किया गया है और जो हेरिटेज है उसको पॉजिटिव सेंस में प्रेजेंट किया है. तो हमें जो फोकस करना चाहिए वो हेरिटेज पे, जो हमारे पास है, ना कि जो पिछला पास्ट में हुआ है. एंड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स टू मॉन्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स से लेके हमें मॉन्यूमेंट्स में शिफ्ट करना चाहिए. तो स्टूडेंट देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो राइटर हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे जो ताजमहल है, जो हिस्ट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो ताजमहल है वो हिस्ट्री है या हेरिटेज है, और जो हिस्ट्री है वो कैसे मैस्कुलाइन फॉर्म है, और जो जो हेरिटेज है वो कैसे फेमिनाइन फॉर्म है. जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि इन्होंने यहाँ पे पिक्चर में डिपिक्ट करके दिखाया है, पिक्चर में वो दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो जेंडर सिंबल होते हैं फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के, तो उन्होंने यहाँ पे देखो ताजमहल की आर्ट को दिखाया है. ये मीन्स यहाँ पे उन्होंने हेरिटेज को दिखाया है, और यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि जो ताजमहल से रिलेटेड जो मीन्स काफ़ी बोर हुआ है, जो भी नेगेटिव सेंस में वो बताना चाहा उन्होंने, तो उन्होंने इस इमेज से बताना चाहा है. तो स्टूडेंट काफ़ी अच्छा आर्टिकल था. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं इस आर्टिकल के आपके आने में, बिकॉज इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए. बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस आर्टिकल में, मैंने सभी वर्ड्स को यहाँ पे मेंशन किया है. प्लीज़ एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन वर्ड्स को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए. और स्टूडेंट इस आर्टिकल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछिए. स्टूडेंट टिल देन गुड बाय, टेक केयर.